गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ूंगी। पिछले वीडियो में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा था बच्चों। मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उसके बाद हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इतना प्रगतिशील नहीं रहा, इसी के साथ विभिन्न समितियों का गठन हुआ, जिसमें प्रथम समिति थी बच्चों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया और हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। सरकार में जो हमने दो सरकारें पढ़ी थी, एक तीसरी सरकार और आ गई, उसका नाम था बच्चों स्थानीय सरकार। अब तक हमने दो सरकारों के बारे में अध्ययन किया था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तीसरी सरकार है स्थानीय सरकार। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना के साथ ही राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संगठन को प्रारंभ किया गया। इसी के साथ राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। लेकिन बच्चों, इस पंचायती राज संस्था में कई कमियां थी। समय पर चुनाव नहीं होते थे, वित्तीय संसाधन इनको उपलब्ध नहीं थे, संविधान में इनको उचित स्थान प्राप्त नहीं था, आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई विधान यहाँ पर नहीं था। इसीलिए 1985 में एक समिति आती है, उस समिति का नाम था बच्चों लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। क्या नाम था? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन 1985 में हुआ और इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन होता है, जिसे बोलते हैं हम 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और इस 73वां संविधान संशोधन को 23 अप्रैल 1993 को समस्त भारत में लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन को समस्त भारत में लागू कर दिया गया और इसी के साथ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब जो 73वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत हमारे भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची का नाम है बच्चों 11वीं अनुसूची और एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 243। कैसे लेकर ऋण तक जो व्यवस्था करता है, वो किसकी व्यवस्था करता है? पंचायती राज की व्यवस्था करता है। तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का कैसे लेके ऋण तक ग्रामीण स्वशासन का विधान करता है और हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में इस बात का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत इस बात की व्यवस्था की गई बच्चों। अब जो 11वीं अनुसूची आई, 73वां संविधान जो संशोधन हुआ, उसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए और हमारे भारतीय संविधान में जो दो सरकारें थी उसमें एक सरकार और आ गई बच्चों, स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार आ गई? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो कि ग्रामीण प्रशासन को संभालेगी, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 1940 को व्यवहारिक रूप दिया गया। अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत बच्चों?
73वें संविधान संशोधन के तहत। अब बात ये आती है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो संवैधानिक उपबंध संविधान में किए गए वो कौन कौन से थे, 243 कैसे लेके न तक किस बात का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो देखो बच्चों, इसमें दो तरह के प्रावधान मिलते हैं, एक अनिवार्य प्रावधान और दूसरे हैं ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान वो है जिनका गठन एक वर्ष के भीतर सभी राज्य सरकारों को करना होगा अधिनियम बनाकर, और राजस्थान में भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 आया, और हमारे पूरे भारत में पंचायती राज दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब देखो किस प्रावधान में, किस अनुच्छेद में किस बात का प्रावधान है वो हम पढ़ते हैं। देखो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 कहता है कि एक ग्राम सभा होगी। ये ग्राम सभा जो गांव में जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन सब से मिलकर के ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। समय समय पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा जितने भी गांव में जितने कार्यों का क्रियान्वयन करवाना है उनका सर्वेक्षण करना और उसके मूल्यांकन करने का कार्य ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा की बैठक जो होगी उसकी अध्यक्षता है वो सरपंच करेगा। कौन करेगा? सरपंच करेगा, और जितने मेंबर है उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होने पर ही बैठक मान्य होगी। तो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी, जितने भी वयस्क मताधिकार प्राप्त बच्चे हैं उन सब से मिलकर के इसका गठन किया जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है और ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। कौन करेगा? सरपंच करेगा। ग्राम सभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है और इसका मेन काम होगा ग्राम में जितनी भी परियोजनाएं चल रही है उनका सर्वेक्षण करना और उसका मूल्यांकन करने का आधार प्रस्तुत करती है। कौन? ग्राम सभा। तो राजस्थान या आप बोल सकते हो जो काम केंद्र में संसद करती है राज्यों में विधायिका करती है वैसा ही स्थानीय सरकार में ये कार्य करता है। कौन वो कार्य करती है? आपकी ग्राम सभा। तो राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की विधायिका जो काम करती है वो ही गाँव में विधायिका का काम करती है। कौन? ग्राम सभा, जो सभी मसलों पर विचार विमर्श करती है। तो इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को हमारे पूरे भारत में अपनाया जाएगा। हालांकि कई राज्यों ने द्विस्तरीय व्यवस्था को भी अपनाया है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाए, और इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में देखने को मिलता है। 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर, और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद, जिसका उल्लेख हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि त्रिस्तरीय प्रणाली होगी अनुच्छेद 243 खे के अनुसार। फिर आता है बच्चों पंचायतों का गठन। पंचायतों के गठन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 गे में देखने को मिलता है। सरपंच हो, सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख का चुनाव उनके जो सदस्य उस क्षेत्र से चुने हुए हैं उन सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस बात का प्रावधान
243 ग में देखने को मिलता है कि सरपंच का चुनाव कैसे किया जाएगा, उप सरपंच का चुनाव कैसे किया जाएगा, वार्ड पंच को कैसे चुना जाएगा, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, उन सबको कैसे चुना जाएगा, इस बात का प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 243 ग, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का गठन किस प्रकार किया जाएगा इस बात का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद आता है बच्चों आरक्षण। आरक्षण वाला ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 243 घ में इस बात का प्रावधान है। हो सकता है आपके घ नहीं दिया हुआ आकर डी दिया हुआ भी आ सकता है बच्चों। तो अनुच्छेद ए से लेके ओ तक इंग्लिश में, और हिंदी में कैसे लेके ण तक, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही ए और कै में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ए से लेके ओ तक इंग्लिश में है, कैसे लेके ण तक हिंदी में ध्यान रखना है बच्चों आपको। आरक्षण की बात हमने करी, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ या 243 डी में है। ये कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थान का आरक्षण होना चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सामान्य सीटें बच जाएगी, उन सामान्य सीटों में एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को भी दिया जाएगा। तो एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और एससी और एसटी को भी आरक्षण दिया जाएगा, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में देखने को मिलता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों कार्यकाल। कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई में मिलता है। इसमें कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर मान लो पंचायती राज व्यवस्था 6 महीने पहले भंग हो जाती है, तो पंचायती राज संस्थाओं के उसी समय चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। और अगर मान लो दोबारा चुनाव भी करवाए गए हैं, तो वो जो आगे वाला कार्यकाल होगा उनका कार्यकाल भी कितने साल का होगा, 5 वर्ष का माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कार्यकाल 243 ई में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर समय से पहले भंग हुई और दोबारा चुनाव करवाए गए, तो अगली जो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य चुने जाएंगे वो 5 साल के लिए रहेंगे, इस बात का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में देखने को मिलता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों राज्य वित्त आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अशोक मेहता समिति ने कही, अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में हुआ, जिसने द्विस्तरीय ढांचे की बात कही बच्चों, उसने एक बात और कही थी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 243 आई में देखने को मिलती है। आई और वाई ध्यान रखना, गांवों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की बात आती है 243 आई में, और नगरीय स्वशासन के लिए आता है 243 वाई में। तो आई में इस बात का उल्लेख है कि राज्य विधायिका द्वारा राज्य की संचित निधि में से पंचायती राज संस्थाओं को कितना पैसा देगा, आय कितना शुल्क लेगा, कितना शुल्क से कटौती करके उनको देगा, वित्तीय संसाधन जो दिए जा रहे हैं उस पर किस प्रकार के पंचायती राज संस्थाओं को खर्चा करना है, ये सारी चीजें करता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग जो है पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रबंधन देता है,
वित्तीय सुविधाएं देता है, वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। इसके लिए राज्य विधायिका द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन उस राज्य के संबंधित राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों लेखा परीक्षण। देखो बच्चों, इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे में देखने को मिलता है। उसमें कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं का परीक्षण करने के लिए एक लेखा विभाग की स्थापना की जाएगी, जो समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए अनुदानों का लेखा परीक्षण करेगा। तो लेखा परीक्षण की बात कहता है अनुच्छेद 243 जे। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना बच्चों, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो चुनाव करवाता है पंचायती राज संस्थाओं की, और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के इस बात का प्रावधान करता है कि एक निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा जो कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को संपन्न करवाएगा, और इस निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। कुल मिलाकर के बात है, किसी संघ शासित क्षेत्र में अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो वहां उस संबंधित क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 243 एल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश है आपका, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, मणिपुर, मेघालय वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। उनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 रह में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है न्यायालय हस्तक्षेप। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चों इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ओ में देखने को मिलता है कि न्यायालय निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये प्रावधान आपको 73वें संविधान संशोधन में देखने को मिलते हैं। अब आपने देखा कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को 29 विषय दिए हैं जिनका पावर जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है वो हम देखते हैं बच्चों। पहला है एग्रीकल्चर। कृषि और कृषि से संबंधित उपजों को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती है। दूसरा है भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम बनवाने का कार्य पंचायती राज संस्थाएं करती है। तीसरा है सिंचाई के निकटतम संसाधन किस प्रकार प्राप्त किए जाए, तालाबों, कुओं की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, नलकूप लगवाए जाए, इन सब की व्यवस्था वहां की पंचायत समिति करती है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, डेयरी उद्योग, इन सब का विकास किस प्रकार किया जाना है ये भी पंचायती राज के अंडर में आता है। मत्स्य उद्योग, मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देना ये भी आपके पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में आता है। सामूहिक उद्योग, दरी उद्योग है, इसके अलावा मुर्गी पालन है, कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनके आधार पर ग्रामीण विकास किया जा सकता है, तो वो सब भी पंचायती राज संस्थाओं के अंडर में आते हैं। फिर है वन उत्पाद। वनों से जैसे लाख है वनों से मिलती है, कई प्रकार की औषधियां जो गांव में
औषधीय पौधे हैं जो गांवों में होते हैं, तो उनको किस प्रकार बेचना है, किस प्रकार उत्पाद को प्राप्त करना है, इन सब का देखभाल करने का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्यान्न को प्रसंस्करण करने वाला, जैसे टमाटर, प्याज, अदरक, आलू या जो भी खाद्यान्न का प्रसंस्करण किया जा सकता है उस पर भी जोर देता है कौन? पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद आता है खाद्य उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में आवासों की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ईंधन व चारे की व्यवस्था करना, परिवहन के जितने भी संसाधन है उन सब का विकास करना, सड़क का निर्माण कार्य पर जोर देना, विद्युत, ग्रामीण गैर परंपरागत जो विद्युतीकरण है उसका धीरे धीरे गांवों में किस प्रकार विकास किया जा सकता है इस पर जोर देना, ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार ग्रामीण लाभान्वित हो सकते हैं इस पर जोर देना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब को क्रियान्वित करने पर जोर देने का कार्य भी पंचायती राज संस्थाएं करती है। गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ये भी आपकी पंचायती राज संस्थाएं करती है। शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, गांव में विद्यालयों की स्थापना किस प्रकार की जाए, इसको देखभाल करने का कार्य भी पंचायती राज संस्थाएं करती है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा गांव वालों को कैसे प्रदान करवानी है ये जिम्मेदारी भी पंचायती राज संस्थाओं की होती है। प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना करवाना, पुस्तकालयों की व्यवस्था कराना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करवाना, बाजार और मेले प्रदर्शनी का आयोजन करवाना, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर ध्यान देना, परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना, इसके अलावा महिला व बाल विकास कार्यक्रम चलाना, विकलांग बालकों की देखभाल के लिए कार्य करना, मानसिक रूप से जो विकलांग बालक है उनके लिए कार्य करना, एससी और एसटी के विकास के लिए कार्य करना, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है आपकी राशन व्यवस्था उन पर निगरानी रखना, सामाजिक अस्थियां जो है हमारी उनका अनुरक्षण करना, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना, ये 29 विषय बच्चों आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान ने पंचायती राज संस्थाओं को दिए हैं। तो पहला है आपका कृषि, दूसरा भूमि, तीसरा सिंचाई, मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चों, इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपके आगे की क्लासेस के लिए या आगे के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, और रीट में और आपके राजस्थान पुलिस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। चौथा है पशुपालन, पांचवा है मत्स्य, छठा है सामूहिक उद्योग, सातवा है वन उत्पाद, आठवा है खाद्यान्न प्रसंस्करण, नवा है खादी, दसवा है ग्रामीण आवास, पांचवा, ग्यारहवा है पेयजल, 12 नंबर पे ईंधन व चारा, 13 में परिवहन, 14 में विद्युत, 15 में ऊर्जा, 16 में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17 में शिक्षा, 18 में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, 19 में प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, 20 में पुस्तकालय, 21 में सामाजिक क्रियाकलाप, 22 में बाजार व मेले, 23 में स्वास्थ्य व स्वच्छता, 24 में परिवार कल्याण, 25 में महिला व बाल विकास, 26 में विकलांग बालक व मानसिक व शारीरिक रूप से, 27 में एससी और एसटी के लिए प्रयास करना, 28 में लोक वितरण प्रणाली और 29 में है सामाजिक अस्थियों का अनुरक्षण करना। ये आपके इसके कार्य हैं, आपके जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो आज हमने बच्चों 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम पंचायती राज संस्थाओं के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखें तो आप मेरे नव भारतीय स्टडी सर्किल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और शेयर कीजिए ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा सकूं बच्चों। और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।